हाय गाइस, यू आर वाचिंग स्टैटिक वर्ल्ड। जो भाइयों मेरा जो आज का ये टॉपिक है वो ये है, क्या कीटोजेनिक डाइट सेफ होती है? क्या होती है ये कीटोजेनिक डाइट, कैसी इसकी टाइप्स है, और क्या जो जिम नहीं जाते वो इसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखते हैं, जो कीटोजेनिक डाइट होती है वो बेसिकली हाई फैट, मीडियम प्रोटीन्स एंड लो कार्ब्स की होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये एक फैट लॉस डाइट है, इससे फैट बहुत जल्दी होती है। तो ये तो है इसकी मीनिंग और फ़ायदे क्या हैं। अब इसके टाइप्स बताता हूँ। जो पहला इसका जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट, जो हर कोई यूज़ करता है, हर कोई रेकमेंड भी यही करता है, हाई फैट्स, मीडियम प्रोटीन्स एंड लो कार्ब्स। दूसरा जो है साइक्लिक कीटोजेनिक डाइट, इसका मतलब है कि आप जैसे 5 दिन लो कार्ब में रहे, 2 दिन हाई कार्ब, कार्ब साइक्लिंग करने को हम साइक्लिक कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। 5 दिन आपने बहुत ही कम, वो भी फाइबर के लिए कार्ब्स को खाया, अब 2 दिन आप कार्ब्स को रीलोड करेंगे। टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट, अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे कि आप वर्कआउट करने, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में आप कार्ब्स को ऐड कर सकते हैं। हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, ये भी स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट जैसी ही है, बस इसमें थोड़ा सा जो है प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है और फैट्स की थोड़ी सी कम हो जाती है। जो जानते हैं कीटोजेनिक डाइट के सेफ होती है, जो आम बंदा है उसके लिए तो सेफ है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कीटोसिस होता है वो उसके लिए तो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, सांस लेने के लिए, दिमाग के वर्किंग के लिए और भी नॉर्मल से फंक्शनिंग के लिए ये सेफ है, क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं आएगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जनरेट कर लेती है छोटे मोटे फंक्शन के लिए। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं, हैवी इंटेंस वर्कआउट, तब ये काम नहीं आने वाली, तब ये सेफ है ही नहीं, क्योंकि जब आप कार्ब्स लेते हैं तो कार्ब्स से एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जो हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल में होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो आपकी जो बॉडी है फैट से एनर्जी लेगी एक प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो प्रोसेस जो है हमारी किडनीज में होगा। तो अब वो प्रोसेस सॉरी किडनीज में नहीं, लीवर्स में होगा। अब जो लीवर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस में है, क्योंकि उसे ही सारी बॉडी की एनर्जी जनरेट करनी पड़ रही है, जहाँ पे हर एक सेल डोनेट कर रहा था एनर्जी जनरेशन में, अब अकेले लीवर ही कर रहा है, तो लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो जैसे आपको पता है, एक हेल्थी लाइफ और एक बॉडी बिल्डिंग के लिए लीवर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लीवर ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा इसी फिजीक का। तो आप इसका कर क्या सकते हैं, कैसे नॉर्मली फैट लॉस कर सकते हैं, आप इतने कार्ब्स रखिए जितनी आपकी बॉडी यूज़ कर ले, ना कि बिल्कुल हाई जाइएगा ना ही बिल्कुल कट डाउन कर दीजिएगा, थोड़े से आप रखीजिएगा जितनी आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है डे टू डे काम में। तो अब वो सारा यूज़ हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं एक्स्ट्रा वेस्ट जो फैट में स्टोर होगा, और आप कैलरीज डाउन, आपने कैलरीज डेफिशिएंट में होंगे तो उल्टा वो बर्न करेगी आपकी फैट। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एस्थेटिक वर्ल्ड।